हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द व्लॉग। हेलो भाई, ठीक है, हम भी तैयार हो रहे हैं। तो आज चलेंगे, पता है मथुरा में आया, मथुरा वृंदावन, ठीक है, घाट नहीं घूमा आज तक। मतलब एक घाट गया था रास्ते में, मतलब ऐसा रास्ता इधर उधर हुआ साला, उस रास्ते में तीन तीन सांप दिख गए मेरे को, मैं वापस भाग गया, मैं घाट पे गया ही नहीं। तो प्रदीप सर हैं, मतलब भाई ये समझ लो, तो प्रदीप भाई को कॉल किया, वो हमें लेके जाएंगे, तो हम चलते हैं साथ में फिर। ठीक है, चलो। अरे यार, लाइट ऑन करनी, शाम हो गई, पूजा और कुछ नहीं, कपड़े लाने छत से, उसके बाद निकलेंगे। वो देखा क्या, LBS वर्सेस मैक्सटन, भाई कौन गलत कौन सही बट पता नहीं, पर जो पड़ी गया ना पार पार मजा आ गया कसम से। बहुत शोर करता है भैया। ओहो हो, ये देखियो मौसम भाई, तगड़ा हो रहा, कुछ भी बोलो, बहुत तगड़ा हो रहा मौसम। अरे यार, कपड़े कौन सुखाता है सुबह। यार मैंने ना हेलमेट रखा था सूखने को, धो दिया मैंने हेलमेट, आज दिखाओ, देखो दाग धब्बे हैं इस पे, धोया था अंदर से, मस्त हो गया काला काला, मतलब ऐसे मिट्टी विट्टी लगी थी, इसको भी पोंछ देंगे अभी, हो जाएगा भाई, कपड़े भी उतार लेते हैं। बट मौसम यार, वाह वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। कोई नहीं, चलो कपड़े उतार लेते हैं फिर चलते हैं इधर से। अरे यार, कपड़ा इतना ज्यादा हो गया, हेलमेट कैसे जाएगा अब। कोई नहीं, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर इट, टेंटाडा, बेस्ट बेस्ट इलाज, बेस्ट जुगाड़। चलो चलते हैं फटाफट। अरे यार, बात ये, शेर को भूख लगती है, शेर सब्जी लेने जाएगा, सब्जी घर पर रख के फिर बाहर निकलेगा, ताकि घर आके टेंशन नहीं होना चाहिए भैया, क्या समझे। सुबह जलाओ, कभी भी हो सकता है। अभी तो मैं गया होता, गंदा गया होता, अभी गिरते गिरते बचाओ मुझे भैया। चलो सब्जी भी रख दिए और अपना इन्वर्टर ले लिया है। बाकी भाई ये देखो, सबसे ख़राब का मेरा चुनना, हाथ चिप 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 करते हैं, जरा दिमाग ख़राब हो जाता है। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा खाना बना दिया ताकि आके दिक्कत ना हो, फिर चप्पल उप्पल पहनते हैं और निकलते हैं आराम से। देखो भैया, प्रदीप भैया ने धोखा दे दिया, बाकी हम कौन से घाट जा रहे हैं मुझे भी नहीं पता, उन लोगों को देखता हूँ, जो भी पहले आएगा वहाँ पर चल चलेंगे। ठीक है, ये भूतेश्वर के पास में मैं हूँ, तो चलते हैं। और क्या, वैसे भी शायद हो सके तो विश्राम घाट जाऊं, क्योंकि आरती होती है वहाँ पे ना 7 बजे से, वो भी देख लेंगे। मेरे को बनारस बड़ी याद आ रही थी, तो सोचा कि चले इधर भी। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज भीड़ नहीं है भाई, ये तो कुछ नहीं है, ये तो अभी बहुत कम ही भीड़ है। अब इतनी आदत सी हो गई है कि इतना सा भीड़ देख के लगता है चलो रास्ता खाली है। बहुत ये वाला बोल लेते निकलने को, पता नहीं, पर पूछना पड़ेगा विश्राम घाट के लिए। चलो लेट्स सी। अरे भैया, ओ भैया, अरे हरियाणा वाले चाचा, चलो यार निकलो फटाफट। भैया विश्राम घाट और ये अंदर ही है, तो चलते हैं अंदर। मुझे तो भाई पता भी नहीं है घाट वाट कौन सा, देखो यही है क्योंकि आरती तो यहीं हो रही है। हाँ, कमल जा सब।
तो भाई साहब ये था कुछ विश्राम घाट। अब यहाँ कहते हैं कृष्ण जी ने विश्राम किया था इसीलिए वो क्या नाम है मतलब भाई ऐसा कहा था कमसा को मार के यहाँ पे विश्राम कहते इसलिए विश्राम घाट नाम है इसका। बाकी और कुछ होया है और तो दिखाता हूँ वरना आप निकलते हैं। अरे छोटा बच्चा इधर भी कुछ है ही, देख लेते हैं क्या आया फिर। अरे बाप इतना झुंड है कहीं साथ देख रहे हो, पता नहीं है मतलब पता नहीं कैसा पेड़ है, वैसे वो पीपल का ही पेड़ है उसको रखा गया ऐसे पता नहीं क्यों, पूछता हूँ कैसे। वो ना ऐसा कह रहा है कि ये पेड़ ना इधर उधर फैले ना इसीलिए, वो सीधा जाए ऊपर जितना होना हो उसके लिए ही दिया गया, बाकी फैले वैले नहीं इसी के लिए। यहाँ से कि इधर से चलते जहाँ से आओ भैया, इधर जाने का मतलब नहीं है, इला बिला जाओगे तो दिक्कत हो जाएगा ज़्यादा। चलो भैया मैं चाइनीज़ जुगाड़ से स्लीपर पहनूँ और निकलो इधर से, देखियो उसको देखियो तो मार मार सारे। भैया ये रही कालो अपनी मस्त खड़ी हुई, ठीक है निकलते हैं यहाँ से। भैया की दुकान पहले मैं था ना राजस्थानी लग रहा हूँ ना, शादी भी हो जाना चाहिए। फिलहाल मैं डिग गेट पता, अब यहाँ से ना सीधे कुछ लेके घर जाऊँगा और खाना पीना बना के सो जाऊँगा। तो इतना ही था, बाकी कुछ होता है दिखाता हूँ आगे चल कर। ट्रैफिक लाइट है तो वीडियो बन जा रही है वरना अभी नहीं बन पाती यार। चलो भैया पानी लाने का तो पानी ला दिया, बाकी अब गाड़ी अंदर कर देते हैं।